जो बनाया जा रहा है ये इलेक्ट्रिक स्टेशन यहाँ पे बनाया जा रहा है। वर्कर यहाँ पे दिनों रात कार्य हो रहा है। ये देख सकते हैं ये आपका जन्मभूमि पथ मार्ग है और यहीं से आपका ये देखिए एक भव्य द्वार निर्माण होता है। यहाँ से आपका 500 मीटर पे आपका राम मंदिर यहाँ से जाया जाता है, यहाँ से पड़ता है। जय हिंद जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज देखने वाले हैं अयोध्या डेवलपमेंट के तहत रामपथ डेवलपमेंट, और रामपथ डेवलपमेंट कितना तेज़ी से यहाँ पे कार्य चला, क्या क्या हुआ और क्या क्या हो रहा है वो सब मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ से देखिए अयोध्या में आपका स्वागत है। यहाँ से चलेंगे सीधा आगे तिड़ी बाजार होते हुए आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे। और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए, अयोध्या जुड़ी जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी चलिए चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए जैसे भी हम आगे बढ़ते चले आए और यहाँ पे ये देखिए जो बनाया जा रहा है ये इलेक्ट्रिक स्टेशन यहाँ पे बनाया जा रहा है रामपथ पे। और यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिक स्टेशन है वहाँ पे थोड़ा सा एरिया और छोड़ा गया है जिससे वहाँ पे बसें पूरी मतलब यहाँ पर खड़ी हो सकें। और बाकी यहाँ पर आगे देख सकते हैं आप दोनों तरफ यहाँ पर भी कार्य होते हुए, और यहाँ का तो वर्क पूरा हो चुका है रामपथ का। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको आगे भी दिखाएंगे। और एक यहाँ पर देखिए आप तो दूसरी तरफ भी देखने को मिला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं देखिए दूसरी तरफ भी आपको देखने को मिला इलेक्ट्रिक स्टेशन जैसे उस साइड से जब आती है वैसे तो उसके लिए है। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक मंदिर यहाँ पे पड़ते हुए यहाँ पे ये उसको भी बचाया गया बरम बाबा। और बाकी आगे चलते हैं आगे आपको दिखाते हैं। और दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पे तो पूरा हो चुका है भाई यहाँ का। ये आपको एक भी यहाँ पे जो है कि क्या है खंबा आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सब अंडरग्राउंड कर दिया गया है ऑलरेडी, और इस वजह से ये चीज़ बहुत सही है यहाँ पे। और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, ये आप डिवाइडर देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कुछ बीचों बीच में मतलब कुछ कुछ खंभे लगाए जाएंगे तो वो मतलब केवल लाइटिंग के लिए होगा। वो जैसे कि आगे लगा है मैं दिखाऊँगा आपको, बने रहिएगा। और बाकी यहाँ से आगे चलते हैं दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये है आपका रानोपाली क्रॉसिंग। यहाँ पे भी बहुत भीड़ लगती है शाम को, बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है शाम को यहाँ पे रानोपाली क्रॉसिंग पे। तो और बाकी यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं बढ़िया यहाँ पे दोनों तरफ कार्य हो चुका है, कार्य कंप्लीट होते हुए। और रामपथ की बात करूँ तो ये लगभग 13 किलोमीटर बनाया गया है जो कि आपका शहादतगंज से सीधा राम की पैड़ी तक जाता है ये, और ये मुख्य मार्ग यहाँ पर अयोध्या में बनते हुए। और बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सीधे यहाँ से अभी हम साकेत से होते हुए सीधे चलेंगे और दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे देखिए वर्कर यहाँ पे दिनों रात कार्य हो रहा है, रात रात में भी यहाँ पे कार्य चलते हैं। और देखिए बनाया जा रहा है कैसे, क्योंकि जैसे जैसे 22 जनवरी 2024 नज़दीक आ रही है वैसे वैसे यहाँ पर कार्य की तेज़ी और तेज़ से देखने को मिलता है हमें। और ये हम साकेत स्कूल से सीधा बढ़ते हुए आगे, और जैसे देखिए यहाँ पे भी ये देखिए ये आपका ये चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे भी बनाया गया, ये देख सकते हैं आप साकेत के जस्ट सामने एक यहाँ पे और एक ये देखिए दोनों साइड सामने सामने यहाँ पे बनाया गया है। और बाकी देखिए मैं जैसे खंभा बता रहा बीच में वो देखिए इससे थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा ये वाला, इसी पर पूरा लगाया जाएगा ऐसे करके लंबा मतलब आगे तक। और जो कि आपको अयोध्या में एंट्री करते हो मतलब वहाँ पर आपको हनुमानगढ़ी से होते हुए जब चलेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखाऊँ बहुत ख़ास चीज़ है यहाँ पे जो अयोध्या की सबसे बड़ी पार्किंग एरिया बनाई गई है वो ये वाली है, ये देख सकते हैं ये आपका सामने ये जो बिल्डिंग है ये वाली है। वो पूरी पार्किंग एरिया बनाई गई है ये देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर बनाई गई है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं सुविधाएं पार्किंग दुकानें हो यहाँ पे देख सकते हैं ये सबसे बड़ा यहाँ पे बनाया गया। और बाकी ये देखिए आप टेढ़ी बाज़ार से हम आगे चलते हुए बाकी यहाँ से देखिए अगर टेढ़ी बाज़ार से आप जाएंगे तो यहाँ पे अयोध्या रेलवे स्टेशन भी बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पड़ता है यहाँ से, बहुत जल्दी पहुँचेंगे। और यही वो मार्ग है जो मैं बता रहा था आपको मोबरा बाज़ार वाला फ्लाई ओवर जहाँ से राम मंदिर साफ दिखता है मैंने दिखाया आपको। और बाकी देखिए यहाँ पर दोनों तरफ भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर कार्य कम्प्लीट होते हुए बीच में आपका पोल लग चुका है और ऐसे ही पूरा लगाया जाएगा आपके रामपथ पे। डिज़ाइन अलग हो सकती है लेकिन ऐसे ही पूरा यहाँ पे लगाया जाएगा। और आपको जो किनारे किनारे पूरा देखने को मिलते थे वो सब हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया सारे खंभे,
हटा दिया गया। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बाकी यहाँ पर ये बिल्डिंग देखिए, एकदम सेम ऐसे करके पूरा यहाँ पे बनाया जा रहा है, कॉमन कोड बिल्डिंग का भी स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। और एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, मतलब दुकानों पे जो है वो शटर वाला ब्राउन कलर के और एक एक सिंबल्स बनाए जा रहे हैं, जिससे यहाँ पे गदा झंडा और यहाँ पे राम मंदिर का स्ट्रक्चर हनुमान जी का पूरा बनाया गया फेस वाला, तो वो चीज़ बहुत गजब का लगा मुझे यहाँ पे कॉमन कोड बिल्डिंग का। और यहाँ पे ये देख ही सकते हैं आप, और बाकी डिवाइडर को कलर किया गया फेंट भाई देखिए ब्लैक और वाइट में, और कहीं कहीं पे वाइट और मतलब येलो कलर का भी किया गया था। और बाकी आपको यहाँ पे देखो ये है आपका, यहाँ से ये जो आपको ट्रक दिख रहे हैं ये सब यहाँ पे जैसे राम मंदिर के लिए जो पत्थर हो गया और वो सब आते हैं यहाँ पे इसी के द्वारा और यहीं से जाते हैं। बाकी आगे का चलते हैं, आपको आगे भी दिखाते हैं जो रेलवे स्टेशन का रास्ता है। अगर मैं बात करूँ तो राम मंदिर सबसे नज़दीक जो है वो यहाँ से, जो अगर इसे आप डायरेक्ट स्टेशन से उतरेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट आपका पड़ता है वो भी लगभग एक से एक किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर लगभग पड़ता है राम मंदिर तक। तो वो चीज़ मैंने दिखाया आपको बाकायदा पूरा, तो वो भी आप देख सकते हैं जाके, इससे पहले वाली वीडियो मैंने दिखाई है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में, देखिए ये आपका सरकारी हॉस्पिटल है श्री राम हॉस्पिटल, जो कि राम मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है और अयोध्या रेलवे स्टेशन से लगभग एक किलोमीटर, और अयोध्या रेलवे स्टेशन वाला रास्ता ये आपका जाता है यहाँ से, और यहाँ से आपका सीधे राम पथ वाले पे हम आगे बढ़ते हुए, और जन्मभूमि पथ का भी मैं दिखाता हूँ आपको, इससे पहले मैंने दिया अपडेट तो बहुत जल्दी मैं दोबारा दे दूँगा लगभग 2 से 3 दिन में। और बाकी ये यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आपका जन्मभूमि पथ मार्ग है और यहीं से आपका ये देखिए भव्य द्वार निर्माण होते हैं, यहाँ से आपका 500 मीटर पर आपका राम मंदिर यहाँ से जाया जाता है, यहाँ से पड़ता है। और बाकी आगे चलते हैं, आपको आगे भी दिखाते हैं, आपको भक्ति पथ का भी अपडेट देंगे बहुत जल्दी। बाकी इस वीडियो में तो आपका पूरा राम पथ का मैं दिखा दे रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए दोनों तरफ बना दिया गया, यहाँ पे तो कार्य पूरा होते हुए खाली यहाँ पे थोड़ा सा छूटा है, वो हो जाए तो यहाँ पे पूरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपका कार्य हो चुका है, और यहाँ पे सीधा आपका हनुमानगढ़ी से होते हम सीधे निकलते हैं आगे, और आपको आगे का वर्क है वो चीज़ दिखाते हैं, सीधा चलेंगे। और ये हनुमानगढ़ी का रास्ता यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ से हनुमानगढ़ी जाया जाता है, यहाँ पे कई द्वार बनाए गए हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये चीज़ देखिए, यहाँ पे ये ऐसे पूरी ये सब ढलाई की गई है ग्रिल वाला सिस्टम, और सब पे पूरा ऐसे आपको राम पथ पे देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गजब कलर है। और भक्ति पथ मार्ग की बात करूँ तो आपका भक्ति पथ मार्ग ये वाला जाता है, ये वाला ये भक्ति पथ मार्ग आपका जाता है। और अभी राम पथ पे आगे बढ़ते हुए आगे दिखाते हैं आपको, अभी यहाँ पे देखिए दुकानें यहाँ पे अभी ओपन नहीं हुई क्योंकि अभी सुबह के 7 लगभग 7 बज रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे अभी दुकानें थोड़ा भीड़ भी कम दिखे देखने को मिलेगी, और शाम के टाइम इस समय इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इस वजह से मैंने सोचा सुबह ही कंटेंट बनाया जाए, तो आगे सुबह ही अपडेट दे दूँगा मैं सारा आपको। और बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी चार्जिंग स्टेशन आमने सामने बनाया गया है, हनुमानगढ़ी से थोड़ा सा आगे पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप बाकी खम्भे का सेप भी एक जैसा गजब का यहाँ पे बनाया गया, यहाँ पे दिया गया है पूरे राम पैड़ी तक आपको ऐसे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे और ये देख सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे तो कार्य पूरा हो चुका है, फुटपाथ नव निर्माण कार्य पूरा हो गया है इस साइड में, और जो आपका डिवाइडर है वो भी सारा कार्य कंप्लीट होते हुए लाइट लग चुकी है। मैं सोच रहा था एक दिन आपका रात में इस रूट की बनाता हूँ वीडियो, और रात का क्या व्यू आता है वो मैं सोच रहा था आपको बनाता हूँ, बाकी जिसको
तो आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं किसे किसे देखना है। और बाकी यहाँ पर देखिए अयोध्या में कुछ बिल्डिंगें आपको बहुत पुरानी देखने को मिलेंगी, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी हम राम पैड़ी की तरफ पहुँचते हुए, राम पैड़ी की तरफ बढ़ते हुए, और लता मंगेशकर चौक भी दिखाते हैं आपको, वहाँ पर दिखाते हैं आपको लता मंगेशकर चौक का व्यू, जो कि एक बड़ी सी वीणा यहाँ पर रखी गई है जो हमारे नए व्यूअर होंगे उनके लिए है, और बाकी हमारे जो पुराने साथी हैं वो सब तो देखते हैं। और बाकी आगे चलते हैं दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर तुलसी उद्यान से हम सीधा आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं। और आगे का व्यू जो है वो बहुत गजब होने वाला है, क्योंकि लता मंगेशकर चौक पे पहुँचने वाले हैं हम, और वहाँ पे जो व्यू है वो एक बहुत गजब का अच्छा लगता है, बहुत गजब लगता है मुझे तो, बहुत अच्छा लगता है। और बाकी यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे भी एक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है, और यहाँ पर ये देखो एक तरफ यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर भी एरिया छोड़ा गया थोड़ा। और बाकी हम पहुँच गए हैं लता मंगेशकर चौक, देखने को मिलेगा आपको इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर रखी गई है, देख सकते हैं यहाँ पे लता जी की याद में ये चौक बनाया गया है, लता मंगेशकर चौक यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पे रखी गई है, जिसे आप यहाँ से अगर आएंगे मुख्य मार्ग धर्मपथ मार्ग से तो आपको देखने को मिलेगा। और बाकी यहाँ पे आप देख ही सकते हैं तो दोस्तों फाइनली इस ब्लॉग में हमने देखा रामपथ का डेवलपमेंट, और अभी हम लता मंगेशकर चौक पहुंच चुके हैं। रामपथ डेवलपमेंट जितना हो चुका है वो चीज़ तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया इस ब्लॉग में, बाकी इस ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जय श्री राम। तो दोस्तों फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं लता मंगेशकर चौक पर, जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी वीणा यहाँ पर रखी गई है, लता जी के याद में यहाँ पर बनाया गया था। और रामपथ का डेवलपमेंट हम देखते चले आए, हमने आपको सब चीज़ दिखाया यहाँ पर क्या क्या डेवलप हुआ है और क्या क्या बना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अयोध्या से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी